हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर जिहड़ा घात ते घात अंक इहदा जिहड़ा दूजा लैसन आ गया। इहदे विच ना आपां एक रूल देखिए तुहाडे कोल, अगर माइनस वन होवे इहदी पावर टाक होवे इदां दा ना पैसच आ जांदा हुंदा तां आंसर इहदा माइनस वन ही आना। टाक नूं की कहिंदे आ जी, ऑड नंबर। सो अगर माइनस ते ईवन नंबर होवे ता प्लस एक आना। ईवन नूं आपां की कहने पंजाबी च, जिस्त संख्या। ठीक है जी। सो जे ईवन नंबर होएगा तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये आएगा। हुण आपां क्या करना हैगा, हुण आपां एक एग्जाम्पल लै लईए। एग्जाम्पल ये लई कि उसने कह दिता इहदी पावर 51 है, या इहदी पावर सौखी लै लईए 7 है, तो आंसर की आएगा। तो तुहानू गुणा माइनस एक नू सत्त वारी करन दी लोड़ नहीं कि यह सत्त की है। सत्त जिहड़ा है ये टाक है। टाक कहड़ी हुंदी है, जिहड़ी दो ते भाग ना होवे। ठीक है, टाक मैंने ऑड जिहड़ी दो ते, सत्त दो ते भाग नहीं हुंदा ना, तो इहदा आंसर माइनस वन आना है बस। ठीक है जी। हुण जिहड़ा आ है ये टाक है माइनस वन, इहदी पावर 51। ठीक है, सो पावर टाँक है जी। जे पावर टाँक है तो आंसर माइनस वन ही आना है। सो इदा की चीज़ तुहानू पैस दे विच मिलनी है जी। बड़े वधिया ढंग नाल ध्यान नाल समझ लो ये की चीज़ां ने तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो जे मैं माइनस वन की पावर 102 पा देवां, माइनस वन की पावर 102 पा दिता, आपां ने 102 पा दिता, ये मगर जी ये दो है ना तो यह ईवन है। ईवन मैंने जिस्त है, ये जिस्त समझते हो। ज अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो गए, तुसी दो ना भाग कर हो जाने हो, दो ना भाग हो गए तो जिस्त है, तो यदा आंसर प्लस वन आना है। सो जिहड़ा हैगा उतारन लगे आपां ने किवें ख्याल रखना हैगा, आ थोड़ा रूल है, इहनूं तुसी इदां देख लेना है। आ तुहानूं आपां ने एक क्वेश्चन करके दिता है, सो इसनूं इदां देख लेना है। आ तुहानूं एक क्वेश्चन करके दिता है, इसनूं इदां देख लेना। आ क्वेश्चन इदां करके दिता तो इदां देख लेना। ठीक हो गया जी। सो बड़ा ठीक, बड़े छोटे छोटे लैक्चर बना रहे हैं मैं तुहाडे कोल, पर जो पुछण की गल आती, कुछ बच्चे ही मैं मैसेज पा के पुछते हैं कि आ चीज़ नहीं आई या कुछ है, बाकी लोग नहीं पुछते हैं तो देखते भी नहीं है। ठीक है, तो उतारना कापी तो उतार तो सारे जा उतारी जाते हैं, उतारना तो उन्होंने समझ के पेपर करना। ठीक है, ये दो चीज़ा अड अड होंदिया ने। ठीक है, तुहानू शाबाश है भी तुसी उतार लैंदे हो काम सारा, तुहानू असाइनमेंट भेजी दी है, बट हुण थोड़ा जिहा उहनू समझण की कोशिश भी करो कि हाँ वीडियो देखो तो उहनू पकड़ो भी वह चीज़ की है, तो तुहानू की जिहड़ा हैगा उहदा समझ आया। ठीक है जी। तो हुण आपां ने देखना हैगा, आपां नू इह भी पता लग गया, आपां ने रूल पढ़ लिया तुहाडे कोल, हुण आपां ने इसनू यूज़ करना हैगा तुहाडे कोल। तो यूज़ करना हैगा तुहाडे कोल, उहदे विच की हैगा तुहाडे कोल, आपां नूं 13.1 चो कुछ क्वेश्चन दसन लग्या वा। 13.1 चो तो क्वेश्चन की है, कहिंदा जिहड़ा हैगा तुहाडे पास वड्डी संख्या दसनी है, तुसीं वड्डी संख्या दसो, वड्डी संख्या दसो। तो वड्डी संख्या दसो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास, उहदे विच है 4 की पावर 3 जां 3 की पावर 4। तो बड़ी संख्या दसो तो इंग्लिश की होगा तुहाडे कोल, विच इज़ ग्रेटर नंबर। ठीक है, या आइडेंटीफाई ग्रेटर नंबर, वो कोई बहुत ही लंबी चोरी चीज करनी, आइडेंटीफाई ग्रेटर नंबर। तो वड्डी संख्या दसो, आइडेंटीफाई द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर तो पहला तुसी 4 की पावर 3, इहदा मतलब 4 नूं 3 नाल नहीं, 3 वारी, चौकम चौकी 16, 16 चौका 64। ठीक है, 3 की पावर 4, 3 नूं 4 वारी, सो 3 3 9, 3 3 9, 9 9 किन्ना 81। हुण मैं किसी भी बच्चे नूं पूछां जिन्हों गिनती आती है, 81 वड्डा कि 64 वड्डा, आंसर आऊगा 81 वड्डा सर। तो जे आंसर 81 वड्डा सर है तो 3 की पावर 4 ने 81 दिता है, तो 4 की पावर 3 ने, यह थोड़ा जिहड़ा हैगा ये आंसर आ जाएगा। सो मेरा ख्याल है जी बड़े ठीक ठाक ढंग ना तुहानू पता लग गया होएगा। ठीक है, इहदे पैरलली आपां एक होर क्वेश्चन करिए। ठीक है, समझण की कोशिश करो, उतार तुसी लैंदे हो, उतारिया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गी। तो उस तो बाद जे हैगा तुहाडे कोल 5 की पावर 3 जां 3 की पावर 5, सो तुसी पहला 5 की पावर 3 पकड़ लिया, इहदा आंसर आया 5 × 5 × 5 3 वारी, 5 × 5 = 25, पहले 2 की गुणा, फिर उन्हें फिर 5 ना 25 5 125, तो आ गया हूँ, हो गया 3 की पावर 5।
तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, तीन तीया नौ तीया सताई, तीन गुणा करे तो उधर नौ, सताई नू आपां ने नौ नाल गुणा करनी है। ठीक है जी, जे सताई नू दस ना करते तो जिहड़ा हैगा 270 हुंदा, 270 चो तुसीं सताई घटा देने ने, ठीक है 243 आ जाऊगा। जे करके देखनी है गुणा करके भी देख लो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो तुहाडा जिहड़ा हैगा ये आंसर आ जाएगा। तो इहदा मतलब आपां नू ये भी पता लग गया तुहाडे कोल भई जिहड़ा हैगा ये, ते वड्डी चेक करनी होवे तुहाडे कोल ये भाग चार हैगा तुहाडे कोल क्वेश्चन दा जिहड़ा है, ते ये उहदा फस्ट पार्ट सीगा तुहाडे कोल, ते ये उसका सैकेंड पार्ट सीगा तुहाडे कोल एक्सरसाइज का। ठीक हो गया जी, आप अगे चलिए तो उस तो बाद आपां अगर एक तीसरा क्वेश्चन लै लीए, उहदे विच आपां की करना है 2 की पावर 8 जां 8 की पावर 2। सो 2 की पावर 8, 2 × 2 × 2 किन्नी बारी, 8 बारी, 2 × 2 × 2। ठीक है जी, सो ए वाली चीज़ 2 × 2 × 2 16 बन गई, मैं 3-4 बार गुणा करे तो 16 × 16 256। ठीक है, 8 की पावर 2, 8 × 2 बारी गुणा, 8 × 8 = 64। हूँ एक बच्चे पूछा 256 वड्डा के या 64 वड्डा, तो पक्का कहेगा कि 256 वड्डा होंदा जी, 64 छोटा होंदा। तो यह मतलब 2 की पावर 8 वड्डा होंदा, 8 की पावर 2 छोटा होंदा है। सो ये भी एक क्वेश्चन हो गया तुहाडे कोल। हाँ जी, ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है जी, ये कोई एड्डी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं गी तुहाडे कोल। कुछ पावर इन्नी वड्डी हुंदी है सॉल्व नहीं करी दी हुंदी, हुण जिवें 100 की पावर 2 है जां 2 की पावर 100 है, तो पक्की गल है जे तुसीं 100 की पावर 2 लिखोगे तो ठीक है, तुसीं इन्नी क गुणा कर लोगे, बट जे तुसीं 2 की पावर 100 लिखोगे तो 2 नू 100 बार गुणा करनी पैनी है, तो बहुत ज़्यादा ग्रेटर आ जाएगा। तो मतलब 100 बार गुणा नहीं कर सकते, मतलब 2 × 2 × 2 इत्थे 100 टाइम्स गुणा करनी है, तो यह बहुत वड्डी रकम आ जाएगी। इस करके ये वाली रकम ये तो बहुत बहुत बड़ी हैगी है तुहाडे कोल। सो इस विच आपां नू गुणा करके दिखाने की जरूरत नहीं सी, क्योंकि 2 की पावर 100 बहुत दूर तक चला जाएगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो इहदा मतलब है आपां नू हुण ये भी पता लग गया भई आपां वड्डी किवें देखते हैं तुहाडे कोल। हाँ, इन्नी क असीं देख सकते हैं भी 2 की पावर 10 जां 10 की पावर 2। सो 2 की पावर 10 है जिहड़ा तुहाडे कोल, ओह आपां 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बारी, 2 × 2 × 2 × 2 5 बारी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, तो इहदा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 32 आ जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 5 वारियां का 32, अगलियां 5 वारियां का 32। सो 32 × 32 करना जी 1024 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, सो ये वाली चीज़ होगी। तो जे 10 की पावर 2 लवांगा तो 10 × 10 सिर्फ 100 आएगा। हुण बंदे नूं पुछो कि 100 वड्डा कि 1024 वड्डा, तो हरेक बंदा कहेगा 1024 वड्डा, 1024 मैंने 2 की पावर 10 10 की पावर 2 नाल वड्डी। ठीक हो गया जी, सो बड़े आराम नाल तुहानूं समझ आ गया क्या है। अगर 10 मिनट अगर आपां पूरे दिन दे विच लगा लीए तो उहदे नाल तुहाडा मैथमैटिक्स अच्छा हो रहा है, तो मैनूं नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। बार बार टीचर नूं कहण दी जरूरत नहीं पैनी चाहीदी तुहाडे कोल बे। हाँ ठीक है, सो 10 मिनट तो ज़्यादा वड्डी मैं नहीं वीडियो रखता तुहाडे कोल। ठीक है, सो लो जी अगे आपां की करना हैगा। ठीक है, तुसीं अपाज गुणन खंडां ते घातक, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, वह कहता कि पे अपाज गुणन खंडा के घातंकों के गुणन फल रूप में लिखो। अपाज गुणन खंडा दे घात अंकों के रूप में लिखो। ठीक है जी, तो इंग्लिश की होगा प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हुण मतलब आपने उन्होंने जड़ा हैगा घातों के लिखना है, तो मान लो तुसी 680 ले लिया, बाकी नैक्सट लैक्चर मगर 0 है ना, 2 तो पक्का जाऊगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। ठीक है जी, 680 का अद्ध 340 होंगे, सो 2 × 3 = 3 मगर 0 हैगी है, 17 × 34 = 2।
ठीक है जाऊ, हाँ पक्का जाऊ, 2 8 16 2 5 10 हूँ मगर पाँच आ गया तो पाँच से जाऊगा। ठीक है जी, पाँच के पाँच एकम पाँच, पाँच सात 35, तो जोड़ा थोड़ा 680 आया, 680 नू असी 2 × 2 × 2 × 5 × 17 लिख लिया। और आप ये क्या सही है, 2 × 4 × 8 5 40 40 × 17 जो वैसे देखिए 17 × 4 = 8 680, तो यह मतलब ये लिखा गया था 680 पावर च किमें लिखा गया, 2 की पावर किनी आ गई 3, 5 की पावर किनी आ गई 1, 17 की पावर किनी आ गई। सो इन्ना कम है जी थोड़े पास, ये तुसी कर लो जी, थोनू आराम ना समझ आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।